नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर नहीं आया हूँ, न्यूज़ है नियोजन नीति से संबंधित। बहुत सारे दोस्तों को पता चल भी चुका होगा और बहुत सारे अगर दोस्तों को पता नहीं चला है तो मैं आपको बता दूं कि नियोजन नीति पे जो फैसला कल आने वाला था, ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं आप। क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि सारी नियुक्तियाँ, जिसमें नियुक्तियों की मैं बात कर रहा था कि आने वाली 25,000 नियुक्तियों का रास्ता शायद खुलता, और जो वैकेंसीज जो पेंडिंग पड़ी थी जैसे एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और सबसे इम्पॉर्टेंट पंचायत सचिव के छात्र, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया इन्होंने नियोजन नीति के केस को लेके खासकर, तो उन सबों को कहीं ना कहीं फिर से निराशा हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, जो कल होने वाली थी, जो जजमेंट होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो गई, और उसका कारण जो है वो लगभग मान के चलिए कोरोना की वजह से ही हुआ है। ये देखिए नोटिस आ चुका है जो आप हाई कोर्ट के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक संभावना है कि इसका जो लिस्टिंग है वो दोबारा से हो सकता है। जो मुझे पता चला है वो फिजिबल पूरी तरह से तो नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सिचुएशन कब बदल जाए कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट अवश्य बताने वाला हूँ। लेकिन पहले वो नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए नोटिस आ चुका है, प्लीज़ टेक नोटिस दैट द मैटर लिस्टेड इन ऑनरेबल लार्जर बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस सी मिश्रा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस चंद्रशेखर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक रोशन इन द डेली कॉज लिस्ट डेटेड 3/7/2020 शैल रिमेन स्टैंड ओवर। ये जो स्टैंड ओवर वर्ड है, स्टैंड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन्ड, ठीक है। ये वर्ड का स्टैंड ओवर का मतलब होता है, ये जो वर्ड है स्टैंड ओवर इसका मतलब होता है पोस्टपोन्ड। तो अभी क्लियर हो चुका है कि आपकी जो जजमेंट आने वाली थी दिनांक 3/7/2020 को, अब वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आशा बहुत ही निराशा हाथ लगी आप लोगों को, और नो डाउट एक बहुत ऐतिहासिक फैसला होने वाला था स्टूडेंट के लिए, लेकिन अब जो ये कोरोना की वजह से ये जो जजमेंट होने वाला था इस कोर्ट को जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर इसकी डेट कब तक आ सकती है, तो मैं एक एक्सपेक्टेड ही बताऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, आज से ठीक 26 दिन पहले, कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जजमेंट आ सकता है। तो देखिए एक प्रैक्टिकल सी बात, ये क्लियर भी हुआ और ये लिस्टेड भी हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से कुछ भी प्रिडिक्ट करना अभी दोस्तों सही नहीं होगा, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, अभी प्रिडिक्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि मैटर आपका लिस्टेड हो सकता है 15 जुलाई के आसपास। जी हाँ, एक अच्छी न्यूज़ आप लोग के लिए ये हो सकती है कि आप लोगों का 15 जुलाई के आसपास मैटर लिस्टेड हो सकता है, नॉट बिफोर दैट। ये आप एकदम डैम श्योर मान के चलिए, दैट्स फॉर श्योर, ये निश्चित है कि 15 जुलाई के आसपास ही होगा, उसके पहले होना थोड़ा सा मुमकिन नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया, मैं पता है आप लोगों को ये सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन चूंकि हमारे हाथ में ये है नहीं तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल जो आपके सामने है यही कि जो जजमेंट कल आने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, और अब 15 जुलाई के आसपास ही आपका मैटर लिस्टेड होगा। आईए भी फाइल हुई है, मैंने आपको बताया, लेकिन आईए पे सुनवाई होगी या नहीं, या जज साहब सीधे फैसला देंगे, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड होगा जज साहब के ऊपर कि वो आईए की सुनवाई करेंगे या फिर वो सीधे फैसला सुनाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मुझे जो पता चला है वो ये कि जज साहब सीधे जो फैसला ही डिलीवर करने वाले हैं। आई डोंट नो ये कितना सही है, लेकिन मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन का वेट और है और सब कुछ सही होगा पीएस के कैंडिडेट के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है, और भी जो वैकेंसीज फंसी हैं उनके साथ, और निश्चित है कि कुछ अच्छा ही होगा। आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, निराश मत होइए, और थोड़ा सा समय का और इंतज़ार करिए। आज के लिए इतना ही, और अगर बीच में कुछ पता चला तो आपको निश्चित ही बताऊंगा। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर आपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्दी, जय हिंद जय भारत।